दोस्तों, इन पत्तों का सेवन रोजाना करना शुरू कर दीजिए। ये शरीर की सूजन को दूर करते हैं और दिल को हमेशा तंदुरुस्त रखते हैं। इन पत्तों के बारे में ये रिसर्च हो चुकी है कि इनके अंदर संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, इनमें गाजर से 10 गुना ज्यादा विटामिन ई होता है और दही से 17 गुना ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है। साथ ही साथ इसमें दोस्तों प्रोटीन, पोटेशियम, आयरन की मात्रा भी अधिक होती है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि ये पत्ते कौन से हैं, इसके साथ साथ इनका सेवन हमने कैसे करना है और इसके फायदे हमें क्या क्या मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके लिए वैल्यूएबल हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन अप होता है। तो दोस्तों, ये है सहजन यानी कि मोरिंगा। दोस्तों, ये मैं आपको सहजन का एक पेड़ दिखा रही हूँ, ये हमारे घर पे लगा हुआ है। ये बहुत आराम से उग जाता है, कोई वो बात नहीं है कि ये बहुत मुश्किल से उगता है। दोस्तों, इसका फायदा आपको बता दूं तो जिनको भी गठिया अर्थराइटिस की समस्या है, सूजन है या घुटनों में दर्द रहता है, तो इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण बहुत ज्यादा है। गर्मियों के दिनों में जैसे आप मेथी दाने का सेवन थोड़ा कम करते हैं या सोच कर करते हैं, तो आप सहजन का, इनके पत्तों का सेवन बहुत आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि सूजन को दूर करने का काम करते हैं। दोस्तों, ये सहजन के जो पत्ते हैं वो हाई बीपी के लिए फायदेमंद है। दरअसल सहजन के पत्तों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि सूजन को तो कम करते ही हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये धमनियों और एंडोथेलियल लाइनिंग में प्लाक को बनने से रोकते हैं और सूजन को भी ये कम करते हैं। साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम ब्लड वेसल को हेल्दी रखने का काम करता है, दिल को अंदर से स्वस्थ बनाकर रखता है। दोस्तों, ये सहजन के पत्ते बायो एक्टिव कंपाउंड की तरह काम करते हैं जो कि दिल को हार्ट अटैक से बचा कर रखते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सहजन के जो पत्ते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सहजन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण जो भरपूर मात्रा में है, वो मौसम में होने वाले जुकाम बुखार से बचा कर रखते हैं, यानी कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। दोस्तों, ये सहजन जो है वो फेलविनाइड और पॉलीफिनॉल से भरपूर है जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, यानी हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को ये कई गुना बढ़ा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये कैल्शियम से भरपूर है। अगर किसी भी इंसान को साइटिका है, गठिया है, तो उनको सहजन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर आपका पेट खराब रहता है, पेट में गैस बनती है, अपच है, कब्ज है, तब भी आपको सहजन के पत्तों का इस्तेमाल जरूर करना है। अगर आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो चुकी है, आंखों की रोशनी वीक पड़ चुकी है, तब भी आपको इसके पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों, सबसे बड़े फायदे की बात की जाए तो ये एनीमिया से हमें बचा कर रखता है। अगर किसी इंसान के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, तो इस सहजन के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज और सेलेनियम, जिंक, फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। ये एक उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होने देंगे। दोस्तों, इनका सेवन कैसे करना है तो चलिए जान लेते हैं। आपने इनके पत्तों को लेना है, धो लेना है, किसी भी तरह से सिलबट्टे पर करके इसकी चटनी बना लीजिए और चटनी को 1 चम्मच की मात्रा में आप खा लीजिए, यानी कि 5 से 7 पत्ते आपने रोजाना इनका सेवन करना है। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो सीधा इनको चबा कर भी खाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सहजन के बारे में। इनकी फली, पत्ते, फूल सभी बहुत फायदेमंद होते हैं। दोस्तों, इनके पत्तों का सेवन आपको रोजाना जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।